अबे यार जल्दी आ जाना, हमेशा लेट कर देती है। मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है तू एक ऐसी लड़की है जो अपने मायके जाने के नाम पे भी लेट कर देती है। अगर तू ना ही ना, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तुम अकेले जाके दिखाओ, फिर बताती हूँ। अच्छा ठीक है, आ जा। अच्छी नहीं लगती। जब तुम्हें पता था आज मैं गाड़ी में बैठूंगी तो तुम एसी ऑन नहीं रख सकते थे। होगी, बैठते ही शुरू। क्या? अरे मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को थोड़ी पता है, कभी तो तू मेकअप करने में लगाती है 2 घंटे, कभी लगा हुआ 3 घंटे। 3 घंटे गाड़ी ना ऑन थोड़ी रखूंगा, इतनी फ्री की कमाई थोड़ी आ रही है मेरी। मेरे बारे में तो तुम्हें बस अपनी कमाई दिखती है। और के देखूंगा नहीं। अब चलो। चल रहा, चल तो लूंगा, पहले बेल्ट लगा ले। स्कर्ट में कौन बेल्ट लगाता है? अरे ओ आंगनवाड़ी की पास आउट, स्कर्ट वाली बेल्ट की बात ना कर रहा। गाड़ी में ना एक सीट बेल्ट नाम की चीज होती है, जिसको लगाने से हमारी सेफ्टी बनी रहती है और 5,000 रुपए का चलान भी बचता है। हाँ तो कोई बात नहीं, भर देंगे हम चलान। अरे ओ भर देंगे नहीं, भर दूंगा, भरने तो मेरे को पड़ते हैं। चल लगा ले। आ गए ना फिर कमाई पे। और क्या हूँ भाई, और घर जाते ही अभी रास्ते में बोल लेगी, हाँ 200 रुपए का ये ले लो, ये फ्रूट ले लो, वो ले लो, और वहाँ मेरे को मिलते हैं सिर्फ 150 रुपए। तुम अपने ससुराल जा रहे हो, फल बेचने नहीं जा रहे? हाँ ठीक है, अब चलो। चलूंगा ही। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा थका मारा। बस मुझे ना तुम्हारी यही बात गलत लगती है। मानती हो शादी से पहले तुम्हें इसकी जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब, और तुम पता ये भी कहते थे कि शादी के बाद तो मैं इस फोन का पीछा ही छोड़ दूंगा, और अब इसी के पीछे लगे फिरते हो। यार कोई काम की चीजें भी हो कर रहे, वेला नहीं करता मैं कुछ इसमें। हाँ तुम्हें सारे काम मेरे साथ ही याद आते हैं। और क्या करूँ, काम करना भी जरूरी है। हाँ रहने दो तुम। वैसे ना मैं एक बात सोच रहा था, तू इतने दिन के लिए जा रही है, मैं तेरे को बहुत मिस करूंगा। हाँ यार ये तो मैं भी सोच रही थी। एक काम करती हूँ, अपने 1 हफ्ते वाले प्लान को है ना 4 दिन का कर देती हूँ, और 4 दिन बाद वापस आ जाती हूँ। अरे यार पागल है क्या तू, मैं तो ये सोच रहा था तू 7 दिन की जगह 10 दिन रुक जा, क्योंकि तू कभी कभी तो जाती है अपने मायके, तो इसलिए बढ़िया रहेगी तू वहाँ। एक काम करो ना, तुम भी मेरे साथ 1 हफ्ते रुक जाओ। हाँ मेरे को तो कोई काम ही नहीं है, मेरे पे ना रुका जावा, 1 दिन के लिए जा रहा हूँ और कल वापिस आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे यहाँ पूरी जिंदगी रुकी पड़ी हूँ और तुम 1 हफ्ते नहीं रुक सकते? हाँ 1 हफ्ते, काम तो मेरे पड़ोसी संभाल लेंगे, तेरे को छोड़ने जा रहा हूँ वही गनीमत मान ले। हाँ तो कोई एहसान कर रहे हो क्या? हाँ एहसान कर रहा हूँ, लेकिन कभी जताया नहीं। कोई जरूरत नहीं है एहसान की, मैं खुद चली जाऊंगी। अब रोक क्यों दिया? चलते एक काम कर, उतर और पोछ। अब मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती क्या? हाँ शादी करके मेरी जिंदगी मजाक बन गई है, तू ही मजाक कर ले। चलो ना अब। चलूंगा ही, ऐसी तैसी कर रखी मेरी तो यार। हंस गया देखो ये बेचारा। एक बार गाड़ी रोको। अबे यार अब क्या हो गया? मुझे ना बहुत जोर से प्यास लग रही है। अभी तो घर से 15 टप खून का पी के चली है मेरा, फिर दोबारा प्यास लगी तेरे को? वो प्यास तो कभी नहीं बुझेगी, मुझे अभी पानी की प्यास लग रही है। अब इस रोड पे तेरे को पानी कहाँ से ला के दूँ मैं? आँखों से देखोगे ना तो देखो वो वाली शॉप। हाँ शॉप तो है, लेकिन ये नहीं दिख रहा, मैंने तेरे को बोली भी थी पानी की बोतल ले आई हो। मैंने तुमको कहा था कि सारा सामान रख लेना। सामान बोली थी लेकिन पानी की बोतल नहीं। प्लीज ला दो ना। ला रहा हूँ यार, जिंदगी की ऐसी दशा हुई पड़ी मेरी तो। ऐ तो ही पता चलता है प्यार भी तो करता है। तेरे भी 2 मिनट रुका ना जाता, ये ले पी ले। हाँ तो पीने के लिए मंगाया, पीऊंगी, ये लो। तू ना थोड़ी इज्जत से बात कर ले अगर मेरे से, पति हूँ तेरा। हाँ तो मैंने कब कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, और वैसे भी पतियों को ना इज्जत हजम नहीं होती, और तुम्हारा तो वैसे भी हाजमा खराब है। म्यूजिक।
कोई ना, तू अपने घर चल, तेरी मम्मी को तेरी सारी शिकायत लगाऊंगा। लगा देना। वैसे फायदा तो कुछ नहीं है, साइड तो तेरी लेनी होती है। अच्छा तो अब तुम स्मोकिंग भी करने लग गए? क्या हो गया? ये एश्ट्रे किसकी है? वैसे यार एक बात तो है, हमारी YouTube की फैमिली हमारे तक प्यार तो करे, लेकिन जब प्यार दिखाने की बात आवे तो Instagram पे ऐड तक ना करती। अरे कोई ना यार, छोड़ इन बातों को। अच्छा तू उस दिन कह रहा था ना गाड़ी की सीट जल गई थी, ले आज मैं एश्ट्रे ही ले आया, अब इसमें करा करेंगे धूम्रपान। अरे वे पागल है क्या, तुम्हारी भाभी ने देख लिया ना मेरी इसी तीसी कर देगी, और वैसे भी कुंवारे थम हो मैं नहीं। रहने दे, मेरे को पता है कौन कितने पानी में है, अपनी भाभी इतनी शरीफ है। हाँ निभा मैं रहा हूँ ना, मेरे को पता है कितनी शरीफ है कितनी नहीं, मेरी इसी तीसी कर देगी। हाँ जी कहाँ खो गए? अरे कुछ नहीं, ये एस्ट्रे ना पंडित की है, उस दिन पंडित ने रखी थी, तो मैंने उससे कही भी तेरी भाभी देखेगी तो गुस्सा करेगी, तो वो बोला हमारी भाभी बहुत अच्छी है कुछ ना कहवे। ये मीठी मीठी बातें करके मुझे मत बसाओ, मुझे हजम नहीं होती। अब या तो ये तुम्हारी गाड़ी में मैं रहूंगी या ये तुम्हारी एस्ट्रे। अरे एस्ट्रे तो दूसरी भी लाऊंगा, तेरे को कहाँ से लाऊंगा, फेंक दे बाहर। ओ मेरे साजन 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 मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे कर। एक बात बताओ, तुम कभी मुझे ड्राइव क्यों नहीं करने देते? अरे पागल, लड़कियों का काम गाड़ी चलाना नहीं बल्कि गाड़ी चढ़ाना होता है, तू आराम से बैठ। हाँ बात तो सही है। वो देखो ना, शायद किसी को लिफ्ट चाहिए। अरे पागल है क्या, अनजान है, हमने दे रहे लिफ्ट। अनजान है बट अच्छे घर का लग रहा है, दे देते हैं ना। वैसे एक बात तो है, तू मेरे सिवा सबका भला सोचा करे, चलो दे देता हूँ। अरे भाई कहाँ जाना है? भैया बस ये कुंडली तक जाना था, छोड़ दोगे? अरे के बात कर दी, जरूर छोड़ेंगे, बैठो। ठीक थैंक यू। सुनो मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। ये कौन सी बीमारी है? अब बीमारी नहीं है, मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है, चल कोई ना, कौन सा अमरनाथ जा रहे हैं, तेरे घर तक जा रहे हैं, वहाँ जाके खा लियो। हाँ खुद तो खा के आए हो ना इसलिए बोल रहे हो। मैंने खाया क्या है, दो पराठे खाए थे, एक ब्रेड खाया था और एक कॉफी पी के निकल आई थी। अच्छा जो 5 मिनट पहले मरे हुए पाद की स्मेल आई थी वो तूने मारा था? तुमसे तो साफ ही रहती हूँ मैं। रहन दे, मेरे को पता है बाथरूम में जाके पानी गिर देगी और नू कहेगी मैं ना कहा आई हूँ। हाँ तुमने तो मेरे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं। मेरे को जूत ना, चल मुझे भूख लग रही है। यार दिमाग खराब कर दिया तुम तो मेरा। मुझे खान। भाई यहीं पे गाड़ी रोक दो। लेकिन भाई आपने तो कुंडली जाना था ना? नहीं नहीं भाई, वो मेरे मुँह से गलती से निकल गया होगा, मेरे को यहीं उतरना है। ठीक है भाई, थैंक यू। मुझे भूख लग रही है। ना घर हो रही हो। पता नहीं कैसे थे, एक बार को तो आतंकवादी गाड़ी तो लिफ्ट मांग लियो, लेकिन उस गाड़ी तो लिफ्ट ना मांगनी चाहिए जिसमें पति पत्नी बैठे हो, मैं किसी और तो मांग लूंगा, छोड़। वैसे कभी भी तुमसे पूछो फोन करके कहाँ रह गए, हमेशा बोलते हो गाड़ी में ये दिक्कत हो गई, गाड़ी में वो दिक्कत हो गई, लेकिन आज तो गाड़ी का कंचा पीस चल रही है। ओके की रिपोर्ट से। ले करगी तेरी काली जुबान काम, हो गया पेंचर। अब मेरी जुबान भी काली हो गई? जुबान ही काली लग रहा है और क्या लग रहा है, इप के करना है? करना क्या, जाओ गाड़ी ठीक करो, मुझे घर जाना है, मम्मी से मिलना है, खाना खाना है, जाओ ना तुम। अच्छा सुनो जल्दी करना। ठीक है यार।
जाने मेरी है, मैं तेरा हाँ, हाँ जी तेरा तू कर ले यकीन। मैनू प्यार है बस तेरे नाल, हाँ जी तेरे नाल वक ना करी। तू ही मेरी दुनिया जहान वे, हुन तेरे बाजू कौन है। के बात, तेरे को तो गर्मी लग रही थी, अंदर बैठ जाना, क्यों आई अब? तुम तो चुप ही रहो। और रही बात इस टायर की, चाहे जिंदगी की परेशानी हो या एक गाड़ी की, पत्नी हमेशा पति के साथ ही खड़ी रहती है। हाँ भी लाड लो, पति पत्नी तो जिंदगी में आए पंचर को भी एक साथ हैंडल करते हैं, ये तो फिर भी गाड़ी का एक छोटा सा पंचर था। रब से है मांगी यही दुआ, तू हाथों की लकीर थाम ले। तेरे नाल जीना तेरे नाल मरांगे, जिंदगी दी पौड़ी जिते तक चढ़ांगे तेरे नाल चढ़ांगे। हेलो गाइस, क्या हाल सबके, तो कैसी लगी वीडियो? इस बार दोबारा कुछ न्यू ट्राई किया है, तो सपोर्ट करना, प्यार देना, और पिछली वीडियो पे 3000 से ज़्यादा कमेंट करने के लिए सबको लव यू है, प्यार देते रहो, और लव यू तो आई सबको, इंस्टाग्राम पे ऐड कर लेना, प्यार बढ़ाते रहो, प्यार की बहुत ज़रूरत है हमको भी आपको, तो प्यार बांटो, बाय, टेक केयर, दोबारा लव यू है। रूठे तो